80,000 रुपये दिए हैं 3% से, तो 6 महीने 24 दिन का ब्याज कैलकुलेटर से कैसे करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए इस तरह से सैकड़ा वाला ब्याज देखने वाले हैं फ्रेंड्स, और वो भी कैलकुलेटर से, कि हम फटाफट एंट्री करके अपना जो भी महीने और दिन का है वो ब्याज हम फटाफट कैसे निकालें। क्योंकि अक्सर होता क्या है फ्रेंड्स कि जब भी हम ब्याज या अपना फाइनल करना चाहते हैं तो वहां पर पूरा पूरा महीना तो होता नहीं कि 2 महीना 4 महीना, ठीक है, कुछ दिन इधर उधर भी हो जाता है, तो वहां पर दिनों का भी ब्याज जोड़ लिया जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहां पर हम लोग कैलकुलेटर तरीका तो देखेंगे ही, और वो भी बहुत ही खास, सिर्फ आपको 4 एंट्री करना है और 4 एंट्री में आपका रिजल्ट, आपका ब्याज आपको फटाफट से मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे देसी तरीका से, कि हम देसी तरीका से नॉर्मल हम कैसे करेंगे, नॉर्मल तरीके से ब्याज कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो ब्याज लग रहा है वो ब्याज का जो लग रहा है हिसाब, वो कैसे लग रहा है, तो देखिए यहां लिखा हुआ है 3% से, ठीक है। तो देखिए इसी 3% को 3 रुपया सैकड़े भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 रुपया सैकड़े, ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और ये जो सैकड़े वाला ब्याज होता है ये हर महीने के हिसाब से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? हर महीने के हिसाब से ये लगता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 80,000 रुपये का 3% लग रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए जो सैकड़ा वाला ब्याज हर महीना लगता है, तो यहाँ पर एक महीना का ब्याज अगर हम लोग देखें तो एक महीना का ब्याज कितना हो जा रहा है, तो देखिए 80,000 रुपया है, तो 80,000 हम लिख लेंगे, ठीक है। अब कितना इसका दर है? 3%, ठीक है। तो हम यहाँ गुणा लगाएंगे और यहाँ 3/100 कर देंगे, तो देखिए 0 से 0 दो ऊपर नीचे है कट जाएगा, इस तरह से यहाँ पर 800 बचा है और 3 बचा है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24, और यहाँ पर ये 00 हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, ये एक महीना का ब्याज है। कितने का ब्याज है? एक महीना का ब्याज है, यानी कि एक महीना में देखिए नॉर्मली फ्रेंड्स 30 दिन माना जाता है, यानी 30 दिन में ब्याज कितना लग रहा है? 2400 रुपया। अब यही फ्रेंड्स अगर हम एक दिन का ब्याज निकालना चाहें, कि अगर हम एक दिन का ब्याज निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये तो जो लग रहा है ये तो 30 दिन का मिलाकर पूरा लग रहा है, अगर एक दिन का हमें निकालना है तो हमें इसमें हमें भाग करना पड़ेगा इसी का, सॉरी फ्रेंड्स 2400 रुपया में हमें 30 का डिवाइड करना पड़ेगा, इसी को 30 भाग में बांटना पड़ेगा। तो जब हम 30 भाग में बांटेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 8 = 24 और 1 0 यहाँ पर उतार लेंगे, तो इस तरह से ये 80 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 80 रुपया, ये होगा एक दिन का ब्याज। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग 3 रुपया सैकड़ा के हिसाब से हम लोग 80,000 का जब निकालें तो 2400 रुपया हर महीने का आया है, तो ये महीना का ब्याज हो गया, ये दिन का ब्याज हो गया। अब हम लोगों का कितना है? 6 महीना है और 24 दिन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2400 रुपया में हम पहले 6 का गुणा कर देते हैं, तो 6 महीने का ब्याज आ जाएगा, 0 0 6 × 24, 6 × 12 और 2 = 14, तो देखिए 14,400 रुपये आए हैं फ्रेंड्स 6 महीने का। अब देखिए एक दिन का ब्याज कितना लग रहा है? 80 रुपया, तो कितना है? 24 दिन और है, तो 80 रुपया में हम लोग 24 से गुणा कर देंगे, तो देखिए 4 × 0 = 0, 4 × 8 = 32 और यहां पर 2 × 0 = 2, 2 × 8 = 16, तो इस तरह से ये कितना रहा है? 0 2 0 2 6 3 9 और ये 1920 रुपया। अब देखिए ये 6 महीना का ब्याज है, ये ब्याज है 24 दिन का, अगर हमें टोटल ब्याज चाहिए तो टोटल ब्याज के लिए हमें इन दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 14,400 रुपया में 1920 रुपया हम जब जोड़ेंगे तो 0 × 0 = 0, 0 × 2 = 2, 9 × 4 = 13 हासिल लगा, 1 × 4 = 5 = 6 और यहाँ पर 16,320 रुपया, ये फ्रेंड्स हम लोगों का ये ब्याज आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आया हुआ है। अब हम लोग आइए देखते हैं कैलकुलेटर ट्रिक, कि फटाफट सिर्फ 4 एंट्री करके हम इसको कैसे
निकाल सकते हैं, ब्याज को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो फ्रेंड्स कैलकुलेटर ट्रिक हम बता रहे हैं, यहाँ पर आपका ये जो सैकड़ा में होना चाहिए ब्याज, यानी हर महीने के हिसाब से आपको जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो आप महीना भी है इसमें और दिन भी है, कन्फ्यूजन होता है, तो ये ट्रिक अगर आप सीख लेते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, फटाफट आप आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले जो आपको एंटर करना है कैलकुलेटर में वो अपना मूलधन एंटर करना है। क्या एंटर करना है? मूलधन। क्या एंटर करना है? मूलधन, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ गुणा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गुणा लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दर, जितने सैकड़े हैं वो दर आप यहाँ एंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गुणे लगाएंगे, अब यहाँ पर दिनों की संख्या आपको एंटर करना है। क्या एंटर करना है? दिनों की संख्या, कि टोटल कितने दिन हो रहे हैं। देखिए आपका महीने भी होता है, आपका दिन भी होता है, ठीक है। तो आप इसमें टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें 30 का गुणा कर लीजिए तो 6 महीने में कितने दिन होते हैं वो आ जाएंगे, और फिर जितने दिन हैं अलग से वो सब आप ऐड कर लीजिए। ये सब ऐड करने के बाद यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर 3000 एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे? 3000। जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आपका ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने इतना कैलकुलेशन किया और हम लोगों का इतना आया, आइए हम कैलकुलेटर ट्रिक करके देखते हैं कि क्या हमारा इतना हिसाब आता है कि नहीं आता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखिए मूलधन, मूलधन कितना है, तो देखिए जो रुपए की बात की जाती है, जो लिया जाता है या दिया जाता है वही मूलधन होता है। तो यहाँ पर मूलधन कितना है? 80,000 रुपया है, तो 80,000 हमने सबसे पहले एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने गुणा लगाया। अब देखिए 3% यानी 3 रुपये सैकड़े के हिसाब से लग रहा है, तो यहाँ पर हम 3 एंटर करेंगे गुणे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर आपको समझना है, देखिए यहाँ दिन भी है, यहाँ महीना भी है, ठीक है। तो इसको टोटल हमें हमारे ट्रिक में दिनों में ही एंटर करना है, ठीक है। किस में एंटर करना है? दिन में ही। तो देखिए एक महीना में होते हैं कितने दिन? 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 6 महीना में कितने दिन होंगे, तो 6 महीना में यहाँ पर 30 में 6 का गुणा कर देंगे, तो ये 3 × 6 = 18 हो गया, यहाँ पे ये 0 हम लगा देंगे, तो 180 दिन होंगे 6 महीने में, और 24 दिन ये फुटकर में है, तो चलिए 24 दिन हम इसमें और जोड़ दे रहे हैं, तो ये टोटल मिलाकर हो जाएंगे 204 दिन। कितने दिन हो जाएंगे? 204 दिन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे और 3000 एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर हम 204 एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर 3000 एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16320। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम लोगों ने देखिए 6 महीने का और 24 दिन का दोनों निकाल कर हम लोगों ने जोड़ा है, तो यहाँ 16320 आ रहा है, और यहाँ पर भी हम लोगों का इतना ही आ रहा है। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है फ्रेंड्स, ये आपको हमेशा काम करेगा और फटाफट से आपका ब्याज यहाँ पर ये निकाल देगा।